नागरिकता कानून पर बोले पीएम मोदी, नागरिकता कानून पत्थर की लकीर की तरह साफ है, भारतीय मुसलमानों पर कानून का कोई असर नहीं। मुसलमानों के खिलाफ भ्रम फैलाया जा रहा है नागरिकता कानून पर, कांग्रेस लगातार झूठ फैला रही है। मुसलमानों के खिलाफ भ्रम फैलाया जा रहा है, साफ तौर पर कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और यह भी कहा है कि मुसलमानों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। मुसलमानों को डराने का काम कर रहा है विपक्ष, जानबूझकर हिंसा फैलाई जा रही है। तो लगातार हिंसक झड़पों का सिलसिला जो पड़ रहा था, उसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को क्लियर करने की कोशिश की है। मुसलमानों से सीधे मुखातिब होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुसलमानों से जुड़ा यह कानून नहीं है, नागरिकता कानून पर किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, कानून पत्थर की लकीर की तरह पूरी तरह से साफ है वो, और विपक्ष पर भी निशाना साधा है कि भ्रम फैलाया जा रहा है। साथ ही इस मुद्दे पर मुसलमानों को भड़काने का, डराने का, भयभीत करने का प्रयास करके अपनी राजनीतिक खिचड़ी पकाना चाहते हैं। भाई और बहनों, कांग्रेस की बांटो और राज करो इसी नीति की वजह से देश का एक बार बंटवारा हो चुका है। यही कांग्रेस है जिसने अवैध तरीके से लाखों घुसपैठियों को भारत में घुसने दिया, यहां उनको वोट बैंक के नाते इस्तेमाल किया। घुसपैठियों के कारण जो समस्याएं पैदा हुई है उसके लिए भी कांग्रेस और उसके साथी दल जो इतने सालों तक सत्ता भोगते रहे वे ही जिम्मेदार हैं।